तो आपका नाम क्या है? राकेश कुमार व्यास, जयपुर से। जयपुर से इतनी सुंदर सिटी, इतनी दूर से जबलपुर क्यों, क्या रीजन? सर मेरा दोस्त है, उनके दो दोस्त है जो यहाँ से सीख के गए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में गफार मार्केट में काम करते हैं और आज वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। अच्छा, एकदम अच्छे नॉलेज के साथ गए हैं यहाँ से। अच्छा, तो मतलब आप यूट्यूब भी देखे पर आपने एक रिकमेंडेशन, मतलब आपने पूछा कि भाई जाए कि ना जाए? ना जाए, तो उनका यही कहना था भाई बिना सोचे समझे जावा। अच्छा जी सर, तो अब आपने जब यहाँ आए थे और अब आप में कितना अंतर है बताओ? सर मैं आया था उस दिन, मैं 5-6 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, लग रहा था कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ आया था उस दिन लगा था कि मैं फ्रेशर। तो अब कैसा फील होता है? अब तो काफी अच्छा फील हो रहा है ना। अब प्रैक्टिस करने के लिए भी अब वो मिलता है कि नहीं कि हाँ प्रैक्टिस करूंगा तो और देखा जाऊंगा? सर मैं अच्छे स्केल पे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल जी सर। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि यहाँ कितने तारीख को आए थे आप? मैं सर 26 तारीख को आया था यहाँ। और आज कौन सी तारीख है? आज 24 तारीख है। तो ऑलमोस्ट 1 महीना। जी सर। अगर यही चीज मैं 15 दिन में सिखा देता तो ऐसे जगह क्यों नहीं गए जहाँ 15 दिन में सिखाया जा रहा है, 10 दिन में सिखाया जा रहा है, रीजन बताओ ना। सर 15 दिन में बिल्कुल नहीं सीख पाएगा बंदा। यहाँ हम सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं, फिर भी जो डे का सिलेबस रहता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हमको 1-1.5 घंटे और एक्स्ट्रा क्लास सिलेबस लेना पड़ता है। हर दिन सिलेबस लेना, हमको भी उसके बाद भी 2-3 रिविजन भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर बिना रिविजन के पढ़ाते जाएंगे तो दिमाग में आएगा क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। और जबकि फरवरी मंथ है, इस बार तो आपका और दिन भी कटे थे। मैं सच बताऊं तो 28 तारीख के सीधा आप 1 तारीख पे जम कर गए। जी सर। नहीं तो इस बार 28 तारीख के बाद में 28, 29, 30 उनको 3 दिन मिलेंगे, 4 दिन लॉकडाउन के कारण 1 दिन चले गया। मैं आपको सच बताऊं कि 28 फरवरी में हम लोग भी सोचे थे यार पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि कैसे दिन कम करेंगे तो क्या सिलेबस में कम करें, तो हमने यही कोशिश की कि सिलेबस बिल्कुल कम ना करें। नहीं सिलेबस बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि हमारी टाइमिंग बढ़ा दी गई। टीचरों का नॉलेज कैसा है यहाँ पर? टीचरों का तो नॉलेज बोलने इतना हाई लेवल का यहाँ नॉलेज है कि आप बयां भी नहीं कर सकते अपन। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ प्रैक्टिकल मोबाइल बनाए? आपने खूब सारे बनाए। अगर आपके वहाँ से कोई स्टूडेंट आना चाहे तो क्यों आए, सिर्फ एक रीजन बताओ। सर अगर डीपली नॉलेज लेना है, बेसिक नॉलेज लेना है तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें। अच्छा, और एक कंपेयर बताओ दूसरे से हम क्यों अलग है? दूसरे से अलग अपन यूँ है कि एक तो यहाँ का सिलेबस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और एक टाइमिंग जो है 8 बजे से 8 बजे तक जो रेगुलर है। इसमें आपको कभी ऐसा हुआ कि 10 बजे आ गए किसी दिन 4 बजे चले गए? नहीं सर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अभी कभी कभी तो हेडेक होता होगा कि यार छोड़ दो सर। यहाँ से जाने के बाद जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ भी रिवीजन करना पड़ता है। डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन के मामले में तो बेस्ट। बहुत कौन पढ़ सकता है यहाँ पर जो कड़ी मेहनत करने के लिए? थैंक यू। क्या नाम है आपका? थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल राजा। कहाँ से हो आप? राजस्थान, भिलवाड़ा। राजस्थान से? यार राजस्थान से भी तो जबलपुर दूरी है, क्यों एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन किया? क्योंकि सर परफेक्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमसे काम सीखना था इसलिए। यहाँ पे कैसा सिखाते हैं? अपने लैंग्वेज अपने बताओ, दिल से बताओ, खुल के। सर एक नंबर सिखाते हैं। एक नंबर सिखाते हैं यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बाईपास कर रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। कितने कौन सी तारीख को आए थे? हम 26-27 तारीख को आ गए। 26-27 तारीख को? आज 24 तारीख है, मतलब लगभग 1 महीना है। 1 महीना 3-4 दिन छोड़ देते हो सर। तो आपको कभी यहाँ हमने हॉस्टल में बिठाया या आपको कभी ऐसा लगा 4 घंटे की क्लास हुई है बाकी तो यार वेस्ट ही चला गया? बिल्कुल नहीं सर, 8 से 8 क्लास, उसके बाद हॉस्टल में जाने बाद भी हॉस्टल का वर्क रहता है वो करना पड़ता है। यहाँ पर जो फ्रेशर बच्चे हैं जो वीक है उन पर ध्यान देते हैं कि नहीं? हाथ पकड़ के ऐसे लगाना सिखाते हैं और हमारे यहाँ पे एक भाई है उनको सिखाया है ना हाथ पकड़ के, जो यहाँ डिमोटिवेट होने देते हैं? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं होने देते हैं। यही चीज अगर हम आपको 15 दिन में दे देते हैं आपने क्यों नहीं सीखी? आप मुझे बताओ, आप भी तो जल्दीबाजी में सीख के जा सकते थे, किंग बन सकते थे। कोई नहीं सकता ना सर, कितने सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट कितने सारे हैं। सारे 8 टॉपिक को 8 दिन ले तो भी सारे टॉपिक पूरे नहीं होते 10 दिन में। तो सोचो खाली ईएन सिंगल बताकर अगर कोर्स कंप्लीट कर दे तो कुछ हो जाता है क्या? ईएन बताएंगे तो इनपुट आउटपुट नहीं बता पाएंगे, इनपुट आउटपुट नहीं बता पाएंगे। कितने सारे जीआर है, कितने आईसीओ के, मतलब स्कीमेटिक आपको सिखाया कि नहीं सिखाया? सर 1 नंबर आता है। 1 नंबर यहाँ फोन चालू किया आपने? बिल्कुल, अभी Y2 का ईएमएम से भी चेंज किया था सर। आपने किया ना? बिल्कुल सर किया। कोई आपके आए राजस्थान से तो क्यों आए बताओ? सर यदि सीखना हो ईएमएम सीखा या हार्डवेयर कंप्लीट सीखना हो तो यहीं पे आए सर। बाकी उससे अलग क्यों है सर टेलीकॉम? सर वाकियों पे वो ऊपर का नॉलेज दे देते हैं बस, वो रवाना कर देते हैं 10-15 दिन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और अपडेट के लिए क्या करोगे? अपडेट के लिए सर वापस यहीं पे आएंगे सर, 3 महीने बाद जब भी प्रॉब्लम होगी लेके वापस। थैंक यू। यहाँ पर दिखाइए क्लास, यहाँ पर आज हम ईएमसी चेंज आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे ईएमसी चेंज कर लेगा? बस नोट, सिर्फ नोट 6 प्रो की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम जो कर रहे हैं वो नोट 5 प्रो की बात कर रहे हैं, या उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्लैक पेस्टेड काम ठीक है। अभी हमारे यूट्यूब के लिए क्लैप। नहीं ये देखिए,
तो आपको देखकर ही मैं यहाँ पर दिमाग में डाल देता हूँ भाई, इन स्टूडेंट को अपना पर्सनल गिफ्ट देना है मेरे भाई, अलग से गिफ्ट मैं अलग दूंगा और वो कसम से अल्टीमेट होगा। तो अभी दिमाग में रख लो, अभी भी टाइम है। बेसिकली टाइमिंग बताओ यहाँ पर कितने बजे के कितने बजे है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?